तुम जो गुस्सा भी करो तो मुझे प्यार लगता है। जाने क्यों मैं तो जो भी कहूँ तुम्हें इकरार लगता है। जाने क्यों छोड़ो भी अदा, पास आके जरा बात दिल की कोई कह दो ना। हे सोना हे सोना। दिवाली क्योंकि मैं पहले लुक शेयर कर रही हूँ इसलिए मैंने पहले बोल दिया। ओके जो मैंने बैकग्राउंड में छोटी मोटी सी डेकोरेशन की है वो कमेंट करके बताओ कि कैसा लग रहा है। ओके ये वाला लुक ना मैंने थोड़ा सा ट्रेडिशनल टाइप के रखने की कोशिश की है, लाइक साड़ी में एंड हीटलेस कर्ल्स की है। तो आप ये वाला कर्ल्स की वीडियो ऑलरेडी देख सकते हो, तो आपको भी मशीन वगैरह की जरूरत नहीं होगी अगर आपके पास नहीं है तो। सारे मैंने एफर्ट डालने की कोशिश की है। ये वाला ना किसी भी ओकेशन में क्रिएट कर सकते हो, लाइक आप न्यूली मैरिड हो या फिर आपकी पहला दिवाली है, मतलब आप शादी करके गए हो न्यूली मैरिड या शादी में जाना चाहते हो, कोई फंक्शन है, किसका बर्थडे है या फिर कोई भी ओकेशन है, आप उसको ये वाला लुक बहुत इजीली अचीव कर सकते हो। ये लुक ना जितना अट्रैक्टिव लग रहा है ना सामने से उतना ही मतलब कैमरे में भी लग रहा है। और ये ना बहुत इजी लुक है, मतलब ये इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, मतलब हाँ आपको सीखना पड़ेगा तो उसके लिए आपको मेरी वीडियो में एंड तक बने रहना पड़ेगा। एंड गाइस इफ यू लाइक माई कंटेंट सो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलना, वहां पे मैं आप सभी से बातें भी करती हूँ। आप लोग ये मत बोलना एक दो रह गए होंगे तो रह गए होंगे, बाकी मैं बातें करती हूँ जितना मेरे से हो सकता है, मैं आप लोगों से बातें करने की कोशिश करती हूँ। ओके नाउ विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम जल्दी से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस सो मैं आ गई हूँ वॉइस ओवर में और या सबसे पहले मैं स्किन केयर करूँगी। जैसे आपको सभी को पता है थोड़ी बहुत डेकोरेशंस की हुई हैं, इसका ना मैंने बैक कैमरा वीडियो भी निकाला हुआ है, सो वो व्लॉग आएगा इसी के बाद, पहले मैंने ये डाला है। सोचा दिवाली है तो थोड़ा सा बैक ग्राउंड भी इसका थोड़ा सा चेंज करना था। ओके मैं आपको कुछ शेयर करना चाहती हूँ। इस समय ना मेरी लाइफ में बहुत ही सारे उतार चढ़ाव आ रहे हैं जो मैंने किसी को नहीं बताया है, किसी को नहीं, मतलब किसी को नहीं बता ही नहीं सकती। ऐसी ऐसी कुछ बातें हैं जो मैं नहीं बता सकती, बट आप लोगों से मैं बस इतना बताना चाहती हूँ मैं इतना अनएक्टिव हूँ, नहीं वैसे तो मैं एक्टिव ही रहती हूँ, ज़्यादातर डाल ही देती हूँ कुछ ना कुछ, बट फिर भी गाइज कोई भी प्रॉब्लम हो आपको या कुछ भी ऐसा लगे तो प्लीज़ आप लोग कॉमेंट करके बताना। तो थोड़ा सा मैं एनीवेज वो सब छोड़ो, अभी मैं क्या आपसे बोलूँ, कभी बनाऊँगी वीडियो तो बताऊँगी। ओके यहाँ पे ना मैंने अपनी स्किन केयर अच्छे से की, हिलेरी रोजा का प्राइमर लगा रही हूँ। प्राइमर ना आपको ज़रूर लगाना है ताकि आपके जितने पोर्स हैं ना सब मिनिमाइज हो जाए, ठीक है, सॉरी ब्लर हो जाए, जितने पोर्स हैं सब ब्लर हो जाए और टोनर लगाने से जितना पोर्स होते हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं। ओके यहाँ पे मैं ग्रीन कलर का कलर करेक्टर लगा रही हूँ जहाँ जहाँ पे मेरे पिगमेंटेशन डार्क स्पॉट्स हैं क्योंकि पिंपल्स की वजह से रह गए हैं। उसके ऊपर मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, ये ग्रीन कलर लेके उसके ऊपर डैप डैप करके सेट कर दूंगी उस पाउडर को, सॉरी उस क्रीम वाले
कलर को भी, ठीक है, ताकि जब हम इसके ऊपर कंसीलर या फाउंडेशन कुछ भी लगाते हैं तो मिक्स मैच ना हो, ठीक है। तो ये पर्पल का और मेबलिन का, दोनों को आपको पता है यार मेरा ऑल टाइम फेवरेट पर्पल एंड मेबलिन ही है, क्योंकि इतना मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ, ये मेरी दूसरी पैकेजिंग है, अब मैं इसका तीसरा पैकेजिंग भी मंगाने वाली हूँ। डॉट डॉट करके मैं अच्छे से अपने फेस में लगाऊंगी, एकदम भर भर के मत लगाना, डॉट डॉट करके अप्लाई करोगे ना तो इजीली ब्लेंड भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से अब मैं लगा लिया मैंने, थोड़ा सा आप अपने नेक में भी लगाना, और फिर धीरे धीरे मैं ब्यूटी स्पंज की हेल्प से इसको ब्लेंड करूँगी। अभी आप देखना कि कितना सही लुक आएगा, मतलब और जो मेरा जो भी डार्क स्पॉट है ना वो भी कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। अब यू कैन सी सारे डार्क स्पॉट कवर अप हो गए, देखा, ग्रीन कलर करेक्ट है। अगर आप भी मेरे स्किन टोन के हो और आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम है कि पिंपल का प्रॉब्लम है या क्या, ये ना रियल में भी फेक नहीं लगेगा, भले आप फाउंडेशन थोड़ा लगाओ बट रियल में भी ये फेक नहीं लगेगा। अगर आपका कहीं पे भी पिंपल का निशान है, आपको हाइड करना है, आप जस्ट क्या करना, ग्रीन, हल्का ग्रीन कलर लेना, उसके ऊपर डैप कर देना। आप कलर करेक्ट करो ही मत, आप ग्रीन कलर लेना, उसको डैप करना, उसके ऊपर ये अपना फाउंडेशन लगाना, ठीक है। ओके, नाउ अच्छे से हमने ब्लेंड श्लेंड कर लिया है, और अभी मैं ले रही हूँ के ब्यूटी का बनाना, सॉरी ये बनाना पाउडर ही है ना, हाँ यार लूज पाउडर होता है ना बनाना पाउडर, वो उससे मैं अपनी अंडर आई एरिया अच्छे से सेट कर रही हूँ, ठीक है। अच्छे से हम अपनी अंडर आई एरिया सेट कर लेंगे जहाँ जहाँ हमको ज़रूरत है, और सेट करने के बाद ये नहीं कि भाई आप तुरंत निकालो, पहले मैं जब बिगनर थी मैं यही करती थी, तुरंत निकालने लग जाती थी, फिर मुझे लगता था यार सेट क्यों नहीं हुआ, उसको टाइम दो, जब तक आप अपनी आईब्रोज फिल कर लो, ठीक है, अच्छे से और कुछ मेकअप कर लो, तब तक उसको थोड़ा टाइम दो, जितना आपकी स्किन को सोखना होगा, मतलब जितना आपकी स्किन को क्या बोल सकते, सोखना ही होगा ना, या खाना होगा, या जितना खाना होगा वो खा लेगा, उसके बाद आप डस्ट करो, ठीक है, डस्ट आउट करो। अच्छे से यहाँ मैंने अपनी आईब्रोज वगैरह फिल कर ली हैं, आज मैं क्लीनली नहीं करूँगी अपनी आईब्रोज, क्योंकि आज मैं अपनी आईब्रोज बना के आई थी ना, बनवा के आई थी पार्लर से, तो आई वॉज लाइक ओहो मैं थक गई थी यार रोज़ रोज़ ये सब बनवा घर पे बना बना के जुगाड़ लगा लगा के, अभी मुझे ऐसा था कि भाई अब मैं करूँ, ठीक है, ओके। फिर मैंने ग्रीन कलर लिया, उसको स्मच किया है अपनी आईज के कॉर्नर्स में, और ठीक है ये ना लाइट ग्रीन कलर, फिर उसको मैंने एक स्मजर ब्रश लिया, ये ना मिनीसो का ब्रश है, उससे मैं धीरे धीरे ब्लेंड कर रही हूँ, ज़्यादा ऊपर के साइड मत लेके जाना आप लोग, धीरे 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 ब्लेंड करते जाना, और जितना अच्छे से ब्लेंड करोगे ना उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वापस ब्लेंड करने के बाद एक पॉइंटर ब्रश लेकर वापस से उसके ऊपर मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा डार्क करने के लिए, और एक मिनीसो का स्मज वाला बिल्कुल मतलब फ्लफ़ी ब्रश लेकर अच्छे से स्मज कर लूँगी, ठीक है, ताकि ये बिल्कुल स्मोकी टाइप का लगे और बिल्कुल भी फैला फैला ना लगे। अब यू कैन सी कितना सही लग रहा है। हाँ, आइस के ऊपर जब मैं स्मज कर रही थी मैंने हल्का सा एक पिंक शेड लिया था, उसी के साथ ही स्मज किया था, ठीक है, तो आप कोई भी बेबी पिंक टाइप का ले लो। अब आई लुक देखो कितना ईजी था। अब मैंने रेने कॉस्मेटिक की पैलेट से, इससे पहले जो मैंने ग्रीन वाली पैलेट ली ना वो इन कलर की थी, इन कलर बाय चॉइस की ऐसा करके, और ये रेने कॉस्मेटिक की पैलेट थी, इसमें मैंने गोल्डन शेड ले करके अच्छे से अपनी आई के लिट्स सेंटर में लगाया, लिट्स में, और ब्लेंड कर लिया, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं ले रही हूँ मामा अर्थ का ये आईलाइनर, बहुत अच्छा वाला आईलाइनर है, इसकी टिप काफ़ी अच्छी है, बिगनर फ्रेंडली है, अगर आप बिगनर हो आपको कोई अच्छा सा आईलाइनर चाहिए आप ज़रूर इसको लेना। पर्पल का ये है काजल, और ये ना आईलाइनर है, ये पेंसिल लाइनर है, बट इसको मैं एज ए काजल लगाती हूँ क्योंकि ना बहुत अच्छा एकदम वन स्वाइप में ही ब्लैक चल जाता है आपकी आईज में, बल्कि ना मेरे काजल सारे सूख गए, मैं खोल खोल के रखती हूँ ना, आप लोग ये गलती मत करना, अपने काजल्स ना कभी भी खोल खोल के छोड़ मत देना, वो सूख ही जाते हैं फिर आपकी आईज में ना चलते नहीं है। अब मैंने क्या किया, काजल लगाने के बाद ब्लैक कलर अपनी आईज के नीचे लगाया और उसको ना पिंक कलर लेकर के स्मज कर लिया एक स्मजर ब्रश से, ठीक है, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ, जल्दी जल्दी बोलती जाती हूँ। पर्पल का मैं ले रही हूँ मस्कारा, अच्छे से अपनी मस्कारा को मैं कोट कर लूँगी अच्छे से, ठीक है, और दोनों मतलब दोनों बस आपको बारी लेना है, डिप करना है, और अपनी पूरी अपर वाली लैशेस एंड लोअर लैशेस सब में अच्छे से कर लेना है। एन वाई बेकर मैं कॉन्टोर
कॉन्टोर ले रही हूँ और ये सिंगल वाला है, बहुत सस्ता मिलता है यार, मतलब अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाता है। जॉ लाइन, चीक बोन्स एंड नोज़ में, नोज़ कॉन्टोर करना बहुत ज़रूरी है, मुझे बहुत पसंद आता है नोज़ कॉन्टोर करना। हाँ, और फिर फोरहेड, इससे ना क्या होता है, कॉन्टोर करने से आपका फेस को डायमेंशन मिल जाती है, थोड़ा चिजल लगता है, पतला लगता है और बहुत ज़्यादा वाइट वाइट सा नहीं लगता है, ठीक है। ब्लश लगाया मैंने ब्लू हेवन का, ये जो ब्लू हेवन का ब्लश है ना, इसमें थोड़ा सा शिमरी शिमरी इफेक्ट आता है, शिमरी। पर्पल का मैंने लिया है यहाँ पे हाइलाइटर, काफ़ी अच्छा वाला हाइलाइटर है, थोड़ा सा गोल्डन टोन में आ जाता है, बिल्कुल गोल्डन नहीं है पर थोड़ा सा गोल्डन टोन में आ जाता है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, बिल्कुल नेचुरल सा ग्लो देता है, इसमें कोई भी चंकी पार्टिकल्स आपको नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको कोई भी अच्छा वाला हाइलाइटर भी चाहिए ना, सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस हाइलाइटर, ओके। फोर हेड, एप्पल ऑफ द चीक्स, क्यूपिड बो, और आइज़ के कॉर्नर्स में लगाएंगे, नोज़ में लगाएंगे, चीक्स में लगाएंगे। अब मैं क्या कर रही हूँ, मेरी मामर्थ की जो लिप बाम है वो ख़त्म हो गई है, काफ़ी टाइम पहले ब्रांड ने भेजी थी, मैंने लगा के दो मिनट छोड़ दिया। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, फेसेस कैनेडा का सेटिंग स्प्रे। ये फेसेस कैनेडा का सेटिंग स्प्रे इतना अच्छा है, मैंने ट्राई किया। मैंने क्या किया था, एक लड़की को मैंने मतलब मेकअप किया था, तो मैंने एक को लगाया था सेटिंग स्प्रे फेसेस का, एक को लगाया मैंने इनसाइड का, जो इनसाइड लगाया था ना उनका मेकअप निकल गया और जो फेसेस का लगाया था उनका नहीं निकला। तो भाई अब आप समझ जाओ। एन वाई बे की ये है चिस्प चेरी करके, सर्च करना आ जाएगा, लिपस्टिक है, बहुत पुराना है बट शेड बहुत प्यारा है इसलिए मैंने लिया। या मैंने साड़ी चेंज कर ली, अभी मैं डाल रही हूँ ये नेकलेस, काफ़ी अच्छा नेकलेस है, मतलब के साड़ी के साथ ठीक है, अच्छा लग रहा था, मतलब जा रहा था, तो मेरा मन भी था कुछ ऐसा पहने का, बट बाय द वे मेरा नहीं है, ओके, मुझे किसी को वापस करना है, मेरा नेकलेस नहीं है, बहुत प्यारा है लेकिन ये ऑनलाइन भी नहीं है, ओके, पूछूंगी अगर ऑनलाइन होगा तो फिर बताऊंगी, ओके। यहाँ पे ना मैं अपना क्या कर रही हूँ, अभी मैं अपनी हेयर स्टाइल खोल रही हूँ, मैं प्रे कर रही थी कि गॉड प्लीज़ प्लीज़ भगवान जी ये सही हो जाए, मतलब हो जाए, बट मुझे लगा था ये नहीं होगा, बट ऊपर ऊपर के बाल हो गए थे। खुद से करो ना गाइस तो इतने अच्छे से नहीं हो पाता है, कोई और करे ना तो बहुत अच्छे से होता है, लेकिन फिर भी एट द एंड काफ़ी अच्छा लग रहा था और मेरे लुक भी बहुत अच्छा बना था और साड़ी के साथ तो बहुत सही लग रहा था। मैंने लॉरियल का यहाँ पे मैंने सीरम ले लिया है और सीरम से जस्ट मैं अपने बालों को डैप डिप कर रही हूँ उसमें, मतलब ज़्यादा आप ना ऐसे लगाने मत लग जाना वरना बाल आपके सीधे विधे ना होने लग जाए इस वजह से, ठीक है। तो ये जो उड़े उड़े से बाल होते हैं ना जो आपके दुपट्टे में फंस जाते हैं, तो उसको सही करने के लिए ज़्यादा उड़े ना, इस वजह से मैंने हल्का सा सीरम लगा लिया, ठीक है। काफ़ी अच्छा सीरम है, एक लड़की ने मेरे से पूछा भी था कि मैं कौन सा सीरम अप्लाई करूँ अपने उसमें हेयर में, तो डेफिनेटली यार लॉरियल का मैंने भी सजेस्ट, मुझे भी यार स्वाति बामरा की वीडियो से ही पता चला तो मैंने वहाँ से लिया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ग्रीन कलर की चूड़ियाँ पहन रही हूँ बिकॉज रेड में ग्रीन अच्छा लगता है, इसलिए आज ग्रीन आई शेडो भी किया है। और यहाँ पे मैं अपने ईयर रिंग्स पहन रही थी और यहाँ पे मैंने बिंदी भी लगा ली है, बिंदी कांग या बिंदी 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 बिंदी, ओके, ये ना मैंने बिंदी बिंदी लगा ली है और यही मेरा फाइनल लुक है। कैसा लग रहा है कॉमेंट करो। ओके गाइज, दिस इज माई फाइनल लुक, आई होप आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा, मैंने पूरी दिल से किया ये वाला लुक। और बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको कैसा लग रहा है मुझे कॉमेंट करके बताना, एंड आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए वो भी कॉमेंट करके बताना। ओके गाइज, मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।